गाइस, कुछ दिन पहले ही ऑन लीक्स ने सैमसंग गैलेक्सी A53 5G स्मार्टफोन्स के कुछ रेंडर्स को लीक किया था और उन रेंडर्स में हमें 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिला था। अब फाइनली गाइस, ऑन लीक्स ने ही गैलेक्सी A33 5G स्मार्टफोन्स के रेंडर्स को लीक किया है और इन रेंडर्स में भी हमें जो है 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता। बॉटम में सिर्फ स्मार्टफोन के स्पीकर ग्रिल और टाइप सी पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए, यानी कि जो गैलेक्सी A33 5G स्मार्टफोन होने वाला है उस स्मार्टफोन में भी सैमसंग जो है 3.5mm के हेडफोन जैक का ऑफर नहीं करने वाला। और हो सकता है कि सैमसंग जितने भी नेक्स्ट ईयर ए सीरीज के अंदर स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा उसमें हमें 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को ना मिले, जो कि आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग कर सकता है। वहीं इस स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है बैक साइड से वो हमें बिल्कुल सेम गैलेक्सी A52 स्मार्टफोन के जैसे ही देखने को मिलता है। कुछ भी चेंजेस हमें बैक साइड से देखने को नहीं मिलता। इवन जो कैमरा मॉड्यूल है वो भी हमें सेम बिल्कुल गैलेक्सी A52 स्मार्टफोन के जैसा ही देखने को मिलता है। वहीं फ्रंट की बात करें तो गाइज, इस स्मार्टफोन के फ्रंट में आपको इन्फिनिटी यू कट डिज़ाइन के साथ में 6.4 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है और एटलीस्ट इस स्मार्टफोन में आपको 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट तो देखने को मिल ही जाएगा। और अगर सैमसंग इस स्मार्टफोन में इन्फिनिटी ओ कट डिज़ाइन वाली डिस्प्ले को ऑफर करता है तो जो डिस्प्ले है वो थोड़ी सी हमें और बेटर देखने को मिल सकती है इस स्मार्टफोन की। कैमरे सेक्शन की बात करें तो गाइज, इन रेंडर्स में स्मार्टफोन के रियर में क्लियरली क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें कि प्राइमरी सेंसर होने वाला है 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का J1 सेंसर, सेकेंडरी होगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, बाकी जो दो सेंसर होंगे वो होंगे 5 मेगापिक्सल के, एक होगा डेप्थ सेंसर, दूसरा होगा मैक्रो लेंस। और सेल्फी के लिए आपको इस स्मार्टफोन में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा मिलने वाला है जो कि लगा होगा इन्फिनिटी यू कट डिज़ाइन वाले डिस्प्ले के साथ में। और नेक्स्ट ईयर सैमसंग अपने सभी मिड रेंज स्मार्टफोन के रियर में 50 मेगापिक्सल J1 कैमरे सेंसर को ही ऑफर करने वाला है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो गाइस, सैमसंग अपने ज़्यादातर ए सीरीज के स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी को ऑफर करता है, बट मुझे लगता है कि गाइस सैमसंग इस स्मार्टफोन में बड़ी कैपेसिटी वाली बैटरी को ऑफर कर सकता है क्योंकि इस स्मार्टफोन की जो थिकनेस है वो 9.7mm की होने वाली है। 3.5mm के हेडफोन जैक को रिमूव करने के बाद में भी इस स्मार्टफोन की थिकनेस को कम नहीं किया गया है, तो बड़ी बैटरी एक मेन रीज़न हो सकती है। और मुझे लगता है कि सैमसंग इस स्मार्टफोन में आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी को ऑफर कर सकता है। प्रोसेसर की बात की जाए तो गाइज, प्रोसेसर को लेकर अभी कोई भी कंफर्म डिटेल्स निकलकर सामने नहीं आई है। जैसे ही कोई भी कंफर्म डिटेल्स निकलकर सामने आती है इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर को लेकर, वो मैं आप तक जो है जरूर अपडेट कर दूंगा। बट मुझे लगता है कि इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक या फिर स्नैपड्रैगन का कोई 5G प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा गाइज, आपको इस स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी, USB टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए, और ये स्मार्टफोन गाइज लॉन्च हो सकता है एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स जो कि बेस्ड होगा सैमसंग के UI 4.0 पर। और जाते जाते गाइज, मैं आप सभी से एक क्वेश्चन भी करना चाहता हूँ, अगर सैमसंग ने नेक्स्ट ईयर अपने सभी मिड रेंज ए सीरीज के स्मार्टफोन में से 3.5mm के हेडफोन जैक को रिमूव कर दिया तो क्या फिर भी आप इन स्मार्टफोन्स को लेना पसंद करोगे या फिर नहीं, बताना जरूर कमेंट्स करके। तो दोस्तों, बस आज की फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।